बच्चे बैठे हैं, अराजकता मत फैलाएं। आपको सदन की गरिमा बढ़ानी है, उत्कृष्ट विधायक के श्रेणी में भी आना है। आप अपने स्थान को ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षिका को धारित पद के संपूर्ण पद पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण तथा सामान्य पुरुष शिक्षक के संबंध में अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विभागीय पोर्टल के माध्यम से उक्त कोटि के शिक्षकों का अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। चलिए धन्यवाद, आप संतुष्ट हैं। श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय सराव जी। मेरा जो प्रश्न था 81% तीसरी कक्षा में और 83% पांचवी कक्षा में, 88% बच्चे पढ़ाई को नहीं समझ पाते। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नहीं, इतना इससे ज्यादा प्रतिशत समझ पाते हैं, और फिर उन्होंने उत्तर में दिया कि हम इसको ठीक करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भाई, ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका मैंने किया है और माननीय मंत्री जी ने भी उसी के हवाले से जवाब दिया है, तो क्या माननीय मंत्री जी के फाइल में होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021? क्या उसकी प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध करा देंगे? माननीय मंत्री, 95% बच्चे समझ पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। अध्यक्ष महोदय, हमें ये नहीं समझ में आता है कि इस उत्तर में विरोधाभास क्या है। हमने तो उत्तर में ये कहा है कि माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वो 2017 के हैं और 2021 के सर्वे में स्थिति काफी सुधरी है, हमने तो ये कहा है। और जहां तक हमने कहा कि हम और कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो इस बात का द्योतक है कि हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, हम और सुधारना चाहते हैं। स्थिति में सुधार हुआ है और हम और सुधार करना चाहते हैं, इसमें विरोधाभास का। चलिए अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 81% समझ नहीं पाते हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि समझ पाते हैं, यही जो है अंतर है। समझ पाते हैं तो माननीय सदस्य अपने स्थान को ग्रहण करें। आया सान, सुनिए सुदेश जी, सुन लीजिए। आज भी सरकार 100% प्रश्न का उत्तर देने को सदन में बैठी है। कृपया संसदीय परंपरा का निर्वहन करें। आज उत्कृष्ट विधानसभा उत्कृष्ट विधायक के संदर्भ में भी विमर्श सूचीबद्ध है, आप सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए। राजनीति की राहें रेपीली बहुत, संभल कर हमें चलना होगा। राजनीति की राहें रेपीली बहुत, संभल कर हमें चलना होगा। अपने आचरण अनुशासन और संकल्प से कथनी करने के बल पर एक उदाहरण बनना होगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में।
अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।